मैं अपने पोते को अपनी गोदी में बिठाती हूँ और हाथ में माला पकड़ती हूँ और अपने पैरों से उसे थपथपाती हूँ तो मेरा बड़ा मन लगता है। मैंने अपने आप को बुलावा तो वहां पर आचार्य जी कहते हैं, कौनाची बोलो कौनाची सीती आपने चिंती वो साकू भाई। अरे ये पोता किसका है, पोती किसकी, ये तो 100 साल 50 साल के लिए रिश्ते बन गए, 50-100 साल के बाद यानी शरीर से दूर हो जाने के बाद ना कोई पोता ना कोई पोती, कोई इस आत्मा का संबंध किसी से भी नहीं जुड़ता। शरीर के साथ संबंध जुड़ते हैं, शरीर के कारण माता पिता भाई बहन जितने रिश्ते बनते हैं वो शरीर के कारण बनते हैं, लेकिन शरीर ही जब नहीं रहता तो आत्मा के साथ किसी का कोई संबंध नहीं है। एक आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ भी कोई संबंध नहीं है। तो आपुले चिंती अपना जीवन की सोचो, अपने बारे में सोचो कि किसका कौन है। और नहीं डीपली ऐसा यदि आप नहीं सोचते तो कम से कम आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, कोई तीर्थ यात्रा पर गए हो, उतने देर के लिए तो कम से कम आपके दिल दिमाग से सारी रिश्तेदारी भूली हुई होनी चाहिए। सदैव के लिए नहीं, 24 घंटे के लिए नहीं, क्योंकि संसार में इतना अभ्यास नहीं है, इतने अधिकार नहीं है, इतना प्रयत्न नहीं है, तो कम से कम जितनी देर के लिए हम देव पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, कोई भी धार्मिक कृत्य हम जितनी देर के लिए करते हैं उतनी देर के लिए तो कम से कम स्वदेह स्वग्राम का त्याग कर लो। संपूर्ण स्वदेह स्वग्राम का यानी संबंधियों का त्याग नहीं होता तो उतनी देर के लिए तो कर सकते हैं। तो तात्पर्य यह कि कोई भी रिश्ता इस आत्मा का नहीं है, शरीर के साथ रिश्ते बनते हैं, शरीर गया तो रिश्ते खत्म, दोबारा वो जीव दूसरे जीव से नहीं मिल पाता। तो 100 साल के लिए 50 साल के लिए एक मौका परमात्मा ने दिया आपको, जिसके द्वारा आप परमात्मा तक पहुंच सकते थे, लेकिन उस मौके को हमने अपनी अज्ञानता के कारण, अपने सुख लालसा के कारण उस एक मौके को हमने गवा दिया। दूसरी बात, किसी भी पात्र में दूध लोगे दूध खराब हो जाएगा, धोया नहीं है पतीला और दूध वाला आ गया, फट उठे और पतीला लेकर के गए, साफ किया नहीं पतीला, उसमें दूध लिया तो रिजल्ट क्या होगा जी? खराब होगा ना, दूध बचेगा तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि किसी ने बिना मांजे हुए पतीले में दूध लिया और वो ठीक रहा हो, ना रह नहीं सकता। तो ऐसे ही ये जो अंदर का जो पतीला है जहां से नाम उठता है, देखो नाम दो जगह से आता है, एक तो ऊपरी ऊपरी जिह्वा से आता है और दूसरा हृदय से आता है। ऊपरी ऊपरी जिह्वा से नाम आता है उसका इतना फायदा नहीं है, फायदा है लेकिन उतना फायदा नहीं है। 100 रुपए की मेहनत की और आपको 5-10 रुपए मिल गए, उसको नहीं मिले जैसे कहते हैं। तो वो ऊपरी ऊपरी यदि लेते हो तो उसका न की तरह फायदा है, लेकिन जब आंतरिक लेते हैं, हृदय से लेते हैं, स्वामी क्या कहते हैं, देव का हृदय सारा सत्य का, सवेरे उठो तो हम तुम्हारे हृदय में आएंगे। तो हृदय से जब नाम आता है, आंतरिक आत्मा से जब नाम आता है तो उसका अत्यधिक लाभ मिलता है, लेकिन अंदरूनी नाम कैसे आएगा जी? वो पतीला तो पता नहीं किन किन गंदगियों से भरा हुआ है,
काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, दुनिया भर की झंझटें उसी में डाली हुई है। इतना बर्तन खराब हो गया है वो, और उसके अंदर है ना परमात्मा रूपी दुग्ध डालने की कोशिश करोगे तो वो सड़ तो जाएगा, उसका इतना लाभ तो मिलेगा नहीं। तो पहले अपना जो अंदर है उसको साफ सुथरा करने की कोशिश करो। अब तीसरी बात एक बड़ी मजे की है, रोज सेवन करते हैं, थोड़े लोग हैं रोज करने वाले, न तो किस्तों में करने वाले लोग ज्यादा है ना। हालांकि नाश्ता कोई भूलता नहीं है, दोपहर की रोटी कोई नहीं भूलता, यहां तक कि किस दिन कौन सा खाना बनाना है ये तक लिस्टें बनी हुई होती है। भूलता है अभी तो केवल परमात्मा का नाम स्मरण भूलता है ना। कभी पाठ किया तो किया, नहीं किया तो ना किया। तो धार्मिक कृत्य भूल जाता है, परमात्मा का नाम स्मरण भूल जाता है, संसार की कोई बातें भूलता नहीं। चलो तो किस्तों में नाम स्मरण करने वाले लोग मिलते हैं, रूटीन में तो इक्का दुक्का ही है। चलो वैसा ही सही, उस तरह से ही सही, न करने से तो कुछ करना अच्छा है। नाम स्मरण से मुक्ति तक मिल सकती है, आए हुए संकट भी दूर हो जाते हैं, महाभय आकाश के समान आने वाला कोई बहुत बड़ा विघ्न है वो भी टल जाता है। इतनी पावर था, इतनी शक्ति है उस नाम स्मरण में, लेकिन हमारे स्वभाव क्यों नहीं बदलते? हम तो वैसे के वैसे ही हैं। देव पूजा प्रसाद नमस्कार कर लिया, या नमस्कार करते समय ही जो पड़ोस में बैठा हुआ है उसका पैर आपको लग गया, या बैठते समय उसने अपना भार आपके ऊपर डाल दिया, तो आपको आपका क्रोध अनावर हो जाता है, आपको अंदरूनी अंदरूनी गुस्सा खोलने लगता है कि कब पूजा खत्म हो और कब मैं उसको बाहर पकड़ लूंगी। यहां बेड़े में नहीं पकड़ा तो कम से कम बाबा जी के डर से तो मंदिर के गेट के बाहर पकड़ लूं। अभी आपने पाठ किया है, सिमरन किया है, देव पूजा की है, और उसमें उसके कारण थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ? नींद आ रही है जो लोग कहते हैं चलो चाय पी लेते हैं, चाय पीते ही नींद गायब होती कि नहीं? जब चाय पीने से नींद गायब हो जाती है, एक सामान्य वस्तु की इतनी ताकत है, तो तुम्हारे नाम स्मरण में जो ताकत है वो ताकत कहां दिखाई दे रही है? परिवर्तन कहां हो रहा है? कितने समय से हम देव देव पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सिमरण कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्वभाव है उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं है। सास अपना काम कर रही है, बहू भी अपना काम कर रही है, सास भी ललिता पवार और बहू भी ललिता पवार। ललिता पवार जानते हो ना, हमारे बचपन में सुनते थे हम। यानी किस तरह से तरोड़ मरोड़ना है, किसी के सुखी संसार को किस तरह से आग लगा देनी है, ये काम तो सास अपनी आई पे, बहू भी अपनी आई पे, दोनों पूजा करते हैं, दोनों मंदिर में आते हैं, स्वामी मूर्ति मंदिर आते हैं, कभी कभार कहते बाबा जी आशीर्वाद दो ना, हम भी आशीर्वाद देते हैं देव वृक्षों। वो देव वृक्षों कहाँ जा रहा है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। इतनी पूजा करने के बाद भी हमारा ना तो काम कम हुआ, ना तो क्रोध कम हुआ, ना तो लोभ कम हुआ, ना तो भय कम हुआ, ना तो डर कम हुआ, कुछ भी तो कम हुआ नहीं है, कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं है। एक चाय की प्याली आपको परिवर्तित कर देती है, और परमात्मा का नाम परिवर्तित नहीं कर देता, तो या तो नाम में खोट है या तो आप में खोट है, आप सोच रहे किस में खोट है। सदियों से
करते हुए हम आ रहे हैं, लेकिन